विधानसभा चुनाव को लेकर अजमेर जिले में चुनाव प्रसार के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी अतुल लोढ़े पाटिल ने अजमेर पहुंचकर प्रेस वार्ता आयोजित की। राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी अतुल लोढ़े पाटिल ने की प्रेस वार्ता। आयोजित विधानसभा चुनाव को लेकर अजमेर जिले में चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं द्वारा करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रभारी अतुल लोढ़े पाटिल ने अजमेर पहुंचकर प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रवक्ता अतुल पाटिल ने प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वे पृथ्वीराज चौहान और ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती भूमि में आकर अभिभूत है। भारत के संविधान में सर्वधर्म संभव की बात करता है, सभी धर्मों के सम्मान की बात करता है। सरकार का काम जनता को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार व सुरक्षा देना है। वर्तमान में राजस्थान में भाजपा पार्टी के जिस प्रकार के रोड शो हो रहे हैं, ऐसे में सवाल है कि राजस्थान के भविष्य को लेकर भाजपा के पास क्या योजनाएं हैं। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर भाजपा पार्टी को घेरा और कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश अजमेर की जनता को दंड देने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आगामी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस सामाजिक सुव्यवस्था, आर्थिक स्वावलंबन सहित अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए विजन 2030 लेकर आई है। कांग्रेस ने पिछले मैनिफेस्टो के 95% वायदे पूरे किए हैं, ऐसे में यह मैनिफेस्टो 2 है। इसके साथ ही राजस्थान में कांग्रेस के शासन में राजस्व बढ़ा है, पहले 62% यह था, वर्तमान में 67% से ज्यादा हो गया है। प्रदेश की विकास दर 14% है और देश में पहले नंबर पर है। आगे 19% करने का लक्ष्य है। प्रदेश की जनता के हितार्थ ऐसी योजनाएं और लक्ष्य है जो विधानसभा चुनाव में सरकार बनने के बाद कांग्रेस पूरा करेगी। नहीं, उनका बस चले तो वो हमें चुनाव लड़ने से भी रोक लगा सकते हैं। नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। लोगों के हाथ में सारी चीज़ें पहुंच गई हैं। ये कहते हैं कि चिरंजीवी को कितना लोगों को फ़ायदा हुआ। अरे भाई, 25 लाख तक का जो फ़ायदा है, वो फ़ायदा किसी का किडनी ट्रांसप्लांट है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट है, किसी का बड़ी बड़ी बीमारियाँ, तो इनका क्या कहना है? बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो जानी चाहिए, ये कोई सवाल है? किसी को ईश्वर करे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तो मेरी मांग रहेगी कि किसी को जरूरत ही न पड़े। लेकिन ये सोच इसके पीछे की ये है कि जब ऐसी बीमारी होती है, लोगों के घर भीग जाते हैं। साहब, आप एक बार बॉम्बे में आइए, KEM के बाहर, टाटा कैंसर हॉस्पिटल के बाहर देखिए, बहुत लोग सेवा करते हैं, लोगों को 6-6 महीना खाना खिलाते हैं, लोगों की जमीन बिक जाती है, माता बहनों के गहने बिक जाते हैं। तो उसके पीछे की सोच ये है और उसको पूछना। तो हमारा तो अभी क्या, प्रधानमंत्री को हम कुछ कहते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है हम उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप 450 का सिलेंडर की बात करते हैं, राजस्थान में ऑलरेडी 500 का मिल रहा है। हम लोग जो 2-3 रुपये किलो का अनाज लेते हैं और जो गरीबी रेखा के नीचे उनको 400 रुपये में देने की बात करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके पास सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार है, वहाँ कर दो ना। आपने देखा होगा कि पहले हमने 7 गारंटियाँ दी और कल हमारा मैनिफेस्टो हमने डिक्लेयर किया और उस मैनिफेस्टो में 2030 का विजन दिया। ऐसा नहीं एकदम 2047 जुमला, 2017 में कहा था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक, 100 स्मार्ट सिटी हो जाएगी, मेक इन इंडिया, 2 करोड़ रोजगार, सारा काला पैसा वापस आ जाएगा, 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे। तो 70 साल का जवाब मांगने वाले मोदी जी और शाह और संपूर्ण भाजपा अपने 9.5 साल का हिसाब दे नहीं पा रहे, और इसी नाकामयाबी की वजह से और इसी बौखलाहट की वजह से राजस्थान की पराक्रमी भूमि को राजा सूरजमल जाट, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप की भूमि को देश में नहीं दुनिया में बदनाम करने का काम वो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई नरेटिव नहीं है, उनके पास कोई विजन नहीं है और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कोई योजना नहीं है। जो मैनिफेस्टो आया हमारा, वो 3 करोड़ 15 लाख सजेशंस अलग अलग तबके से
अलग अलग लोगों के आए और उसके बाद बना, तो हम किसकी बात कहते हैं? हम बात यह कहते हैं कि जहां मोदी जी ने धोखा दिया, जहां भाजपा ने धोखा दिया, वहां कांग्रेस ताकत से जनता के पीछे खड़ी है। ये जिले में बहुत किसान हैं, 64% इस प्रदेश की जनसंख्या किसानी में है। मैं पूछना चाहूंगा कि 726 किसानों की हत्याएं हुई, शहादत हुई, और आपने संसद में